जय माता रानी के सभी मित्रों को, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज के। दोस्तों, सब लोग मैसेज कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको यंत्र वगैरह मिल गए हैं और कुछ लोगों को अभी नहीं पहुंचे हैं। तो मैंने कईयों को जवाब भी भेजा कि कई लोगों के जो यंत्र हैं वो रिटर्न मेरे पास आ गए, उनके या तो एड्रेस गलत थे या नंबर गलत था या पिन कोड गलत था, उनको दोबारा भिजवा दिए गए हैं मथुरा से। अभी मैं आपको, कुछ लोग मिलने ही कह रहे थे, मैं आपसे अभी नहीं मिल पाऊँगा दोस्तों, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ, मैं बिजी रहूँगा। आप मेरी फेसबुक वगैरह पर पोस्ट देख रहे होंगे तो मैं बाहर हूँ अभी, है ना। तो अभी आप लोगों से नहीं मिल पाऊँगा, थोड़ा सब्र रखें, जून जून में फिर आपसे मुलाकात होगी। और दोस्तों, एक चीज़, कई लोगों के ये भी मैसेज आए हैं कि उन जिन जिन के पास दर्द, अच्छा कईयों के पास तो बिल्कुल एक दिन में पहुंच गए, कईयों के पास 7 दिन में पहुंचे, कईयों के पास 15 दिन में पहुंचे जी। बाकी जो बाकी व्यवस्था होगी कुरियर की, उसके हिसाब से पहुंचे हैं वो, ठीक है ना। तो किसी का तो एक ही दिन में पहुँच गया, जैसे अलीगढ़ हुआ, कई जगह हुआ, कानपुर हुआ, आगरा हुआ, दिल्ली हुआ, ये एक एक दिन में पहुँच गया केवल। और कई जगह ऐसा भी हुआ कि लंबे भी समय लग गए, कुछ लोगों के पास आज भी पहुँचे हैं। तो आप चिंता ना करें, आप सबके यंत्र आपके पास सही सलामत पहुँच जाएंगे, और नहीं पहुँचेंगे तो दोबारा भेजेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी निराशा नहीं हाथ लगेगी, ठीक है ना। तो आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज भी मैंने लोग कह करके भिजवाएँ, करीब करीब कई लोगों के करीब करीब, और बाकी के कल मैं करवा दूँगा पूरे आपके, तो सब जो भी रह गए उन सबके पास पहुंच जाएंगे। कईयों ने डबल डबल ऑर्डर कर दिया कि दोबारा मंगवाएं, और कईयों को फ़ायदा हुआ है तो उन्होंने दोबारा मंगवाया, मालूम आपको, कई लोगों ने मुझे दोबारा मंगवाए हैं, तो उनको भी दोबारा भेजे जाएंगे। जैसे किसी ने परीक्षा के लिए मंगवाया था तो उसको सफलता मिल गई है 7 साल के बाद, तो उसने दोबारा 2 यंत्र अपने घर के लिए मंगवाए हैं। और किसी की, एक की नौकरी का था, उसका हो गया काम तो उसने मंगवाए हैं। और एक चीज़ और मैंने, जैसे कि आपको सबको बता रखी है कि छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी वगैरह समस्या वगैरह के लिए तो मन यंत्र बहुत उत्तम है, लेकिन बहुत पुरानी कोई समस्या चल रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं सॉल्व नहीं हो रही, तो उसके लिए ये विशेष नहीं रहेगा। क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके लिए फिर अलग चीज़ें होती हैं, अलग अनुष्ठान होते हैं, उनमें ये चीज़ें काम नहीं करती फिर ऐसे करने की, क्योंकि ये तो सबके लिए हर काम के लिए किया गया है। पर्टिकुलर हर काम का मतलब होता है कि आपके विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, धन और छोटी मोटी प्रॉब्लम, नेगेटिव एनर्जी वगैरह, जो सब उन सब के लिए किया गया है। लेकिन जो बहुत परेशान है सालों से, 10-20 साल से, तो उनके लिए तो फिर अलग चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये केवल सपोर्ट करेगा बस, बाकी ये नहीं है कि बहुत बड़ी आप कुछ किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यंत्र पैरते आप एकदम सही हो जाएंगे, तो ऐसा पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा ना सोचें, क्योंकि उसके लिए फिर पूरे अनुष्ठान होते हैं और बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़ी क्रियाएँ होती हैं उसके लिए। उसके लिए फिर एक ही चीज़ का ध्यान लगाया, मतलब एक ही चीज़ को ध्यान में रख के किया जाता है फिर, क्योंकि आप समझ गए होंगे इस बात को, तो कि एक ही चीज़ को ध्यान में रख के, मतलब कि अगर एनिमी के लिए, शत्रु के लिए, तो वो केवल शत्रु विशेष के लिए ध्यान रख के किया जाएगा, उसमें सब चीज़ें नहीं होती हैं फिर। ये हर कार्य सिद्धि के लिए है, मतलब उसमें हर कार्य, तो थोड़ा थोड़ा हर कार्य का प्रभाव है इसमें, जैसे कि आपकी सफलता के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, आपकी जॉब के लिए भी इसमें, ठीक है ना। और विधि वही है धारण करने की, हनुमान जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के सामने रखिए, एक धूप या दीप जलाइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर हनुमान जी का मंत्र मैंने बता रखा है, ओम हम अनंतरो आत्मका हूँ फट, उसकी 3 माला कीजिए। और माला नहीं भी कर सकते, केवल हनुमान जी के सामने रख करके, और उसके मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन उसे पहन सकते हैं, ठीक है ना। और हनुमान जी का, इसके बाद हनुमान जी का किसी भी बार को महीने भर के अंदर अंदर किसी भी बार को हनुमान जी का चूल्हा चढ़वा दें, और आपका काम बिल्कुल सफल होगा, यंत्र आपके लिए बिल्कुल किसी भी अवस्था में यह अशुद्ध नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें, जो उस हिसाब से नहीं बना हुआ है, इस सब अवस्था में शुद्ध ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी पहन के चले जाइए इसे। और इसको पहनने का कोई बंधन, कोई नियम ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सिंपल आराम से पहनिए, कोई इसमें बंधन दे करके नहीं बनाया गया है, क्योंकि पंचमुखी में बंधन काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी वाले जी। तो आपकी ये बात रही। अब दोस्तों, हमारे एक मित्र ने प्रश्न डाल रखा है व्हाट्सएप पर, मैंने पढ़ा था आज, कि गुरु जी एक
पक्का और अनंत भक्त या किसी भी देवता को सिद्ध करने के लिए कौन सा ऐसा लक्षण होता है जो बहुत ज़रूरी होता है और सर्वोपरि होता है और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मित्र, आपको मालूम होगी कि कोई मंत्र का ज्ञान देता है आपको, कोई क्रिया का ज्ञान देता है आपको, कोई तंत्र का ज्ञान देता है, कोई आपको कहता है श्रद्धा भाव से पूजा करो, कोई कहता है आपको ध्यान बहुत अच्छी तरह लगाओ देवता में। हर प्रकार के व्यक्ति का हर प्रकार का अलग अलग वो है। कोई कहता है आपकी सामग्री बहुत उत्तम होनी चाहिए और सामग्री और आपके लिए माला वाला बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। देखिए मैं मित्रों आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बिल्कुल मतलब निर्विवाद है, ध्यान धारणा और समाधि। यदि आपने इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली, इन चीज़ों को पकड़ लिया, तो कोई देवता कोई शक्ति छोटी से लेकर बड़ी तक ऐसी नहीं है जिसका आप अनुभव न ले सकें या जिसको आप प्राप्त न कर सकें। ध्यान धारणा और समाधि क्या होती है मालूम आपको? मतलब ध्यान, आपका ध्यान उस देवता में इतना पक्का होना चाहिए कि आपको उसका आभास होने लग जाए। इतना ध्यान पक्का पहुंचना चाहिए। ये कब पहुंचेगा मालूम है? आपका मन निर्विकार होगा, आपका मन में छल कपट नहीं होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका मन किसी लालच से उस चीज़ को नहीं कर रहा होगा, तो ये आपका ध्यान होगा, ठीक है ना? और वो पक्का होगा। और धारणा, अब आइए धारणा पर। तो धारणा क्या होती है मित्रों मालूम है आपको? धारणा होती है किसी चीज़ को धारण करना, किसी चीज़ को पक्का करना, किसी चीज़ का संकल्प लेना। धारणा ऐसी होनी चाहिए कि हे प्रभु, मतलब हमें इस चीज़ को प्राप्त करना ही है, हमें इस चीज़ को पाना है, या हमें देवता के समीप जाना ही है। आपका धारणा इतनी पक्की होनी चाहिए आपकी, आपका ध्यान इतना पक्का होना चाहिए। ध्यान के बाद धारणा जरूरी है। अगर ध्यान आपका सही है और धारणा आपकी सही नहीं है, मतलब आप वो नहीं कर पाए, उसको निश्चय नहीं कर पा रहे पूरा पक्का कि मुझे ये प्राप्त ही करना है, ये जो स्कूटी है मुझे ये खरीदनी है, ये प्राप्त करनी है, ये मुझे कार है मुझे लेनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझे ऐसी पोजिशन अपनी बनानी है कि ये कार मैं ले के रहूं, ये मकान मुझे खरीदना ही है, ये खेत मुझे खरीदना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, ये होता है धारणा, ठीक है साहब। समाधि, अब आते हैं दोस्तों हम समाधि की तरफ। मैं आपको आपको ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं आपको हमेशा बिल्कुल सिंपल भी मैं समझाता हूँ, मैं इसको इतना गुड़ भी मैं भी आपको समझा सकता हूँ कि शायद आप अच्छा खासा जो जानकार होगा ना वो भी चक्कर खा जाएगा, इतनी बारीक तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल भी मैं समझाता हूँ ताकि आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएँ, क्योंकि इसका जो मीनिंग्स है ना जो अध्यात्म में है वो बहुत गहरी है, उसको एक विद्वान व्यक्ति से उसको समझा सकता है। और मुझसे जुड़े हुए सब लोग मेरी तरह सिंपल हैं, जैसे मैं सिंपल वैसे मेरे व्यूअर भी सिंपल हैं सारे, तो मैं उनको उसी तरीके से समझाता हूँ। हमारे जो सारी चीज़ें क्यों लुप्त हो गई मालूम है? क्योंकि हम लोगों ने उसको गुड़ तरीके से लिख दिया, हम लोगों ने उसको इतना पेचीदा तरीके से लिखा कि वो चीज़ समझ में नहीं आई लोगों को, तो ये हमारे ग्रंथ भी लुप्त होने लग गए और फिर रही सही कसर पूरी कर दी आताताइयों ने उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे चलते हैं समाधि की तरफ। समाधि मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें हम बैठ करके और एक आकार में अपने शरीर को ढाल करके, जैसे हमने पद्मासन लगा लिया या ब्रह्मासन लगा लिया, कमलासन लगा लिया, आनंदासन लगा लिया और सौख्यासन लगा लिया, मतलब एकदम सिंपल सिद्धासन लगा लिया। सिद्धासन और कमलासन और ये सब चीज़ तो ये सामान्य होते हैं, आजकल सब जानते हैं चीज़ों के बारे में। तो जो लगा लिया आपने वो अवस्था, जब तक मंत्र ज्ञान चलता जब तक क्रिया ज्ञान चलता वो अवस्था बरकरार रहनी चाहिए आपकी, यानी समाधि। आप उसको करते करते समाधि अवस्था में चले जाइए, मतलब एक जड़ होकर के बिल्कुल बैठ जाइए। आपका शरीर में कोई हलचल नहीं है, आपका शरीर नहीं भटक रहा है तो मन भी नहीं भटक रहा है, मन भी नहीं भटक रहा है तो आपका ध्यान भी नहीं भटक रहा है, और आपकी धारणा पक्की है, तो यानी कि वो चीज़ आपको मिलनी ही है। समझ गए ना आप? तो छोटी सी मैंने तरीके से आपको बता दिया, मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं बताऊँगा तो किताबों में ये ज्ञान नहीं मिलता दोस्तों। किताबों में तो बहुत अलग तरीके से समझाया जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप अधूरे रह जाएँ, मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति की जानकारी और ज्ञान पूरा होना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा लेकिन विशेष और अति सूक्ष्म प्रयोग दे रहा हूँ जो बहुत मतलब ताकतवर है और बहुत चमत्कारी है, और
इसमें ओम नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ओम नहीं लगेगा। इसके और मंत्र होते हैं उसमें ओम लगता है, लेकिन इसमें ओम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें ओम नहीं लगेगा। तो मंत्र मात्र सिंपल मंत्र है, ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ऐं ह्रीं श्रीं नमः। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करने के बाद, ठीक है ना, यदि आप लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा होगी, यदि आप ज्ञान के लिए सरस्वती के लिए कर रहे हैं, विद्या के लिए कर रहे हैं, तो आपकी सरस्वती पंचोपचार से पूजा होगी, और आप अगर शक्ति प्राप्ति या बाधा नाश के लिए कर रहे हैं तो आपको माता काली की या दुर्गा की पंचोपचार से पूजा करनी है, ठीक है ना। ये करने के पश्चात आप जो संकल्प लेना चाहें कि मैं फलानी फलानी अभिलाषित वस्तु के लिए या अभिलाषित पोजीशन के लिए या फलानी फलानी चीज़ के लिए, यानी कि आप शत्रु नाश करना चाहते हैं या फिर आप अपने धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो मैं अपनी अर्थवृद्धि के लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा कह करके जल छोड़ करके सीधे हंसते आप। और इसकी कम से कम मित्रों 11 माला आप रोज़ शुक्रवार की रात्रि से उठाएं, और इस चीज़ का मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि इसको मैं देख चुका हूँ लोगों को करा करके, आजमा करके। ये मंत्र बहुत जल्दी प्रभाव नहीं दिखाएगा, जो स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, ये मंत्र बहुत जल्दी प्रभाव नहीं दिखाएगा, 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में जी आपकी पोजीशन को बहुत अच्छा कर देगा, और आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत बढ़ा देगा। आप सफलता, कैसे भी बड़ा से बड़ा काम हो, आप उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 3 से 6 महीने लगातार करना है आपको रोज़। इसमें छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन, लेकिन ये आपको इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों आप इसे करें, और इसमें शुक्रवार के शुक्रवार आपको इलायची दाने या किशमिश या कोई भी ड्राई फ्रूट या फल, कोई भी फल लेकर के शुक्रवार के दिन बच्चों को बांटना है, और खासकर कन्याओं को कुछ ना कुछ देते रहना है शुक्रवार को, जितने भी शुक्र बने बीच में। अब दोस्तों ये उन चीज़ों में से है जो बहुत कंटिन्यू की जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका फल बहुत अचूक होता है, और ये छोटी या शुद्र विद्या नहीं है, ये पूर्ण विद्या का मंत्र है, और ये पूर्ण रूप से ही काम करेगा मित्रों। इसमें ये नहीं है कि ये हल्का काम करेगा या इसमें प्रभाव इसका बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है, पूर्ण प्रभाव का और महाबलशाली महाविद्या के मंत्र है ये। तो इसमें तीनों विद्या इसका काम करेंगे आपका, ठीक है ना मित्रों। तो इसको आप करके देखें, इसका चमत्कार आप स्वयं 3 से 6 महीने के बीच में मुझे बताएंगे, गुरु जी मेरे काम सफल हो गए। तो ये बहुत छोटा सा बढ़िया प्रयोग दिया मैंने आपको। इस मंत्र को आप चाहें तो दीपावली की रात्रि में उठा सकते हैं, इस मंत्र को चाहें धनतेरस की रात्रि में उठा सकते हैं, इसमें जो 9-10 तारीख में दशहरा आ रहा है अभी जून में, उसमें उस दिन उठा सकते हैं इसको किसी भी पूर्णमासी को उठा सकते हैं, पूर्णमासी को, और इसे कोई भी शुभ मुहूर्त में, गुरु पुष्य में, रवि पुष्य में उठा सकते हैं, ठीक है मित्र। तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, और इसका हवन का जो विधान है, अगर आप चाहें तो 3 महीने का आपने लिया संकल्प या 6 महीने का संकल्प लिया, तो लास्ट में अपने 3 दिन उसका हवन कर दें आप, 1-1 माला से मात्र, बस आपको उसका चमत्कार दिखने लग जाएगा। याद रखिएगा एक चीज़ और बता दूँ, इन मंत्रों में यदि आपको फ़ायदा हो जाता है थोड़ा भी, या आपको कोई पोजीशन अच्छी बन जाती है उसके बाद, इसको करने के बाद, तो इसको आप 1 माला कंटिन्यू रखें तो और बढ़िया स्थिति बनती ही चली जाएगी। चलिए मित्रों, ठीक है जी, मैंने आपको बहुत सुंदर और बहुत दिन से सोच रहा था देने की इस प्रयोग को, ये हर किसी व्यक्ति के लिए है, इसमें कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, इसका कोई मतलब ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। और जय माँ बगलामुखी, जय माता विंध्यवासिनी, जय काली मैया की, जय वीर बजरंगबली हनुमान जी बाबा की। चलिए मित्रों, आसमान में बादल छा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जय देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसार, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए मित्रों, जय माँ भवानी।